साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इसके अंदर कैसे हरियाणा प्रदेश में जो 10,000 करोड़ का केंद्र के इस पैकेज के अंदर केवल मात्र फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए रखा गया है, उसका बेनिफिट हरियाणा के फार्मर्स को कैसे दिया जाए, खासतौर पर हमारे FPO और साथ में जो सप्लाई चेन उसको इंसेंटिव देकर बढ़ाया जाए, इसका लगभग 35% केंद्र सरकार को स्ट्रॉन्ग करती है और प्रदेश की तरफ से जो हमारा MSME विभाग है वो उसको एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसीड करके मैदान में लेकर आए। उसके साथ HSIDC के जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और खास तौर पर जो अनसोल्ड हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स के एरियाज हैं उसको कैसे थ्रस्ट के साथ वापस करा जाए, पिछले 4 दिनों के अंदर लगभग 60 बड़ी कंपनीज के साथ हमारी सरकार ने अलग अलग लेवल पर चर्चा भी करी है, जिसके अंदर डेल भी है, जिसके अंदर कोका कोला भी है, और उनके साथ कैसे स्टेट में ट्रेड को बढ़ाया जाए, कैसे उनको हरियाणा की ओर प्रेरित किया जाए, उसके लिए कदम उठे उठाए। हमारा यही टारगेट है कि इस कोरोना को क्राइसिस पूरा विश्व आज लेकर चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं उस क्राइसिस के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश को इंडस्ट्री लगती है तो युवाओं को रोजगार भी अतिरिक्त मिलेगा और साथ में प्रदेश के अंदर जो हमारे 22 जिलों के एरियाज हैं उसको कैसे थ्रस्ट दिया जाए उसके ऊपर भी चर्चा होगी। एक विशेष चीज जरूर आपके साथ रखना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर 3 ऐसी फसल टमाटर की, प्याज की और आलू की, जिसको उन्होंने नाम दिया TOP स्कीम, उसको चलाया है। आज केंद्र सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हमने ये आग्रह भी किया है और उनको लिखित तौर पर भी हम भेजेंगे कि हरियाणा के अंदर 3 TOP के जो है टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, इसके क्लस्टर जोन डिक्लेयर करे जाए, क्योंकि हमारा नॉर्थ हरियाणा जहां आलू की उत्पाद में बहुत बड़ी मात्रा में है, वहीं पलवल हो, मेवात हो, उस एरिया में प्याज भारी मात्रा में किसान लगाते हैं, और तीसरा आपके जो दादरी भिवानी का एरिया है वहाँ टमाटर का उत्पाद बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अंदर केंद्र का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये मानता हूँ कि ये TOP जो स्कीम है हरियाणा भी अधिकतर उसका लाभ ले पाएगा। इसके अंदर एडिशनल ग्रांट इन एड केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को देती है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली इनके उत्पाद, इनके स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज लगाना और साथ में इनको कैसे मार्केट के अंदर फिनिश्ड प्रोडक्ट या रॉ प्रोडक्ट के तौर पे भेजा जाए, फार्मर टू सप्लाई चेन टू अपने कंज्यूमर जो पूरा है उसकी चेन बनाने से लेकर उसको आगे फूड सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी तक 3 ही राज्य चुने थे और हमने उनसे आग्रह किया है, क्योंकि आज इस क्राइसिस सिचुएशन में हरियाणा भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान जा रहा है, उसके अंदर हमारे 3 अगर TOP के 3 क्लस्टर अप्रूव होते हैं तो मैं मानता हूँ हमारे फार्मर्स को बहुत बड़ा उसमें फायदा मिलेगा। तीसरा महाराष्ट्र, कौन कौन से जिले कवर हो जाएंगे? भिवानी दादरी में तो जो मेरी नॉलेज है उसमें टमाटर का उत्पाद है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से तो हम भी वहाँ कहते फैक्ट्री लगाने की सुन रहे, उसी तरीके से मेवात के अंदर प्याज का उत्पाद बहुत है और आपका कुरुक्षेत्र हो, अम्बाड़ा हो, यमुनानगर हो, कैथल हो, इन 4 जिलों के अंदर तो आलू की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो अगर TOP केंद्र सरकार हरियाणा को देती है तो मैं मानता हूँ ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी, फूड सिक्योरिटी एस्पेक्ट से केंद्र के लिए ये 3 चीज़ें, क्योंकि इनके प्राइस बहुत वेरिएट करते हैं समय समय पर, और अगर कोल्ड स्टोरेज आती है, प्रोसेस चेन आती है, तो हरियाणा को भी उसका लाभ मिलेगा।
अब क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं, प्रवासी मजदूरों की बात करें, कुछ कर्मचारी भी चले गए, तो जो स्थानीय युवाओं के रोजगार की बात आप करते भी रहे हैं, उससे हरियाणा के युवाओं को भी इससे आपको लगता है कुछ फायदा होगा? बिल्कुल है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी दो कदम तो पहले उठा लिए। एक कदम, जितनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे पास आई है उन कंपनीज को लेबर डिपार्टमेंट डायरेक्टली एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए, एक हम आने वाले दिनों में मैंडेटाइज करेंगे कि प्रत्येक कंपनी के एम्प्लॉय को हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर लेना पड़ेगा, जिससे हमें डे टू डे ये प्रगति पता चलती है कितने अनएम्प्लॉयड है कितने एम्प्लॉयड। हमें डाटा सुन रहा था कि कोई सर्वे आया कि हरियाणा में 45% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, मगर आज प्रदेश की स्थिति देखें तो हमारे पास रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज तो शायद 27-28 लाख थे और परमिशन जो प्रदेश सरकार ने दी है वो 35 लाख के आसपास की। इसका मतलब तो बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज थे जो कभी रजिस्टर ही नहीं हुए, तो हमारी प्राथमिकता है कि लोग रजिस्टर भी हो और साथ में जो हमारा रोजगार पोर्टल है उसके माध्यम से हम हरियाणा का जो युवा है, फॉर एग्जांपल कोई एचपीएससी का पेपर देता है और उसमें क्वालिफाई नहीं हो सकता, स्टाफ सिलेक्शन का पेपर देता है या और कहीं अप्लाई करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, मगर वो कैपेबल है जॉब करने की, तो उसको वहाँ हम डाइवर्ट करें, उस पोर्टल के तहत इंडस्ट्री को ये सपोर्ट मिल जाएगा कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस माध्यम से करें। निशान जी, HSIDC के जो लोगों के प्लाट निकले थे लॉकडाउन के पहले, उन लोगों को अब लेटर जारी, आरएलए जारी हो गए कि उनको पेमेंट जमा कराएंगे, क्या उन लोगों का इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाएगा? उस पर चर्चा हुई है क्योंकि बोर्ड के अंदर इसका निर्णय फाइनल लिया जाएगा। जब हर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इस दौरान फ्रीज पीरियड माना गया, यही प्राथमिक डिसीजन लिया गया कि इसको भी बोर्ड कंसिडर करे कि फ्रीज पीरियड के तहत इसको वे ऑफ। एक ये जिस तरह से आमतौर पर चर्चा चल रही थी कि चाइना से आप जो इंडस्ट्री है मतलब वहाँ से उठ रही है और हरियाणा की तरफ आने की उसमें है, कोई बातचीत हुई कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हरियाणा में आने को उत्सुक है? या एप्पल का एक सप्लायर है JBL, वो इंटरेस्टेड है, मगर फाइनलाइजेशन क्योंकि पूरी दुनिया क्राइसिस में है तो ये डिसीजन कोई एक दिन में तो होंगे नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि बाय जुलाई एंड या अगस्त हमारे पास प्रस्पेक्टिव बड़ी कंपनी एक नहीं अनेक आएंगी जो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट कर कर अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स को जोड़ेंगे। जी सर, जो कल कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे कि हमने प्रेशर बनाया सरकार पर, तो इसलिए सरकार ने अपना बैक स्टेप कर लिया जो धान के किसानों पर धान बनने जो कई ब्लॉकों की थी, क्या सिर्फ एक जो पहला वो प्रो मई का था उसके बाद जो आपने दोबारा उधर सरकार ने किए थे उसमें कोई अंतर था? देखो, क्लैरिटी मैं पहले भी आपके आगे दे चुका था, निरंतर कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। सरकार ने प्रेरित किया था, सरकार ने किसान से आग्रह किया था कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर गए, मगर कई लोगों ने एक एजेंडा बना लिया था कि इस तरीके से इसको प्रोपोगेट किया जाए। हमारी ये सोच है कि जो फार्मर जीरी छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट की ओर जाता है और 50% अपनी लैंड को डाइवर्ट करता है, सरकार प्रत्येक एकड़ 7,000 रुपये का उसको इंसेंटिव देने का काम करिए। पंचायत लैंड क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर जरूर हमने आदेश जारी किया कि जिस गांव के अंदर भी 35 मीटर से गहरा अगर पानी का लेवल है उसके अंदर इस बार पंचायत लैंड पे जीरो पेमेंटिंग नहीं है। अगर किसी पंचायत के रेवेन्यू लॉस आता है पिछले साल के ठेके में पैसे की अगर गिरावट आती है, तो जो 7,000 रुपये हमने इंसेंटिव आम आदमी को देना था वो 7,000 हम ग्राम पंचायत को देने का काम करेंगे उस भरपाई में। तो ये 9 मई के आदेश क्या हैं जो बार बार दिखाए जा रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री जी की एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, तो उसके अंदर पूर्ण प्रतिबंध दो ही चीजों पर, उसके बाद हमने आग्रह फार्मर्स से किया था कि वो डाइवर्सिफिकेशन करें। भूषण जी, कल जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने सभी राज्यों से बात की मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि 5वां चरण शुरू होगा या नहीं इस पर संशय है, तो हरियाणा का क्या पक्ष है सर, क्या आपने आग्रह किया है केंद्र से और क्या आप चाहते हैं कि आगे क्या होना चाहिए अभी 31 मई? देखिए, जहाँ केंद्र के एक्शंस की बात है, धीरे धीरे सामान्य तौर पर जिंदगी आने लगी है, जहाज भी उठने लगे, ट्रेनें भी चलने लगी, मगर लिमिटेशन इस कोरोना की लड़ाई के अंदर प्रत्येक प्रदेश के आगे, जिस तरह का आउटब्रेक दिल्ली में हुआ, 1,000 केस एक दिन में आना, और सामान जो हमारा बॉर्डर है
सीमांत एरिया के अंदर, उस एरिया में भी अब आपने देखा गुड़गांव में किस तरीके से कल केस बढ़े, तो एक रिस्क फैक्टर तो बढ़ रहा है, मगर हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, हम कितने अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर प्रत्येक प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र ने भी अपने आप को गैरअप किया है। हमें ये मानकर चलना पड़ेगा नंबर ऑफ केसेस और इंक्रीज होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, मगर जो सिम्टम्स हैं या जिस तरह के और देशों के अंदर मोर्टैलिटी रेट आ रहा है, मुझे लगता है इंडिया अभी बेटर है, मगर ये तो ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि इस महामारी के अंदर कहीं ना कहीं हमें बचाव हो। और एक चीज़ जरूर आपके साथ साझी करना, क्योंकि एक एडवाइजरी केंद्र सरकार की आई है कि अब मॉनसून सीजन के अंदर मच्छर के जो रिलेटेड डिजीजेज हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं इजाफा होगा, तो उसके लिए प्रदेश सरकार गेयर्ड अप है। मैंने कल पंचायत सेक्रेटरी को भी बुलाया था, PSDP को, और उनसे ये लिस्ट मांगी है कि कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास खुद की फॉगिंग मशीन्स हैं जो रेगुलरली अपने गांव के अंदर कराती, कितनी ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जिनके पास खुद के सोर्स ऑफ फंड्स हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत के पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम अपनी ओर से भी, जैसे हमने सैनिटाइजेशन के लिए फंड दिए थे, उस तरीके से पंचायतों में फॉगिंग मशीन्स उपलब्ध हों जिससे गाँव लेवल पर इस महामारी के बीच में ये मॉस्किटो प्रोन बीमारियों से बचाव मिल जाए, उसका हम कदम उठाने। नहीं तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं, आप क्या मांग करेंगे? मैं तो ये मानता हूँ जिस तरीके से हमने जिले खोले हैं, जिस तरीके से हमने इंडस्ट्री को खोला है पूरी तौर पर, जिस तरीके से अब आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह केंद्र सरकार ने परमिट किए, आपको जिंदगी को सामान्य तौर पर कॉलेजेस को भी स्कूल्स को भी खोलना पड़ेगा, मगर फेस्ड मैनर में कैसे चलाया जाए। आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को नहीं बुलाएंगे, ये तो मुझे लगता है पैन इंडिया डिसीजन होगा। प्रत्येक सरकार ने अपनी ओर से केंद्र को सुझाव भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज 28 है, 2 दिन के अंदर अंदर MHA अपनी फ्रेश गाइडलाइंस दे जिससे कहीं ना कहीं जो समस्या इंटर बॉर्डर मूवमेंट की आ रही है, अभी भी लोग बहुत से विदेशों में फंसे हुए हैं, जो प्रदेश सरकारों से रिक्वेस्ट करें उनको लाने की है। कहीं ना कहीं जब तक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सामान्य तौर पर नहीं खुलेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में स्टूडेंट्स हैं और हैं फंसे हुए हैं, वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो केंद्र अपने प्रयास मुझे लगता है कर रही है, मगर हमें जॉइंटली एक देश की तरह इस महामारी में लड़ना है। सर, रेवेन्यू जो है 2 महीने से रेवेन्यू जो है काफी बंद रहा है, तो अब क्या स्थिति थोड़ी अच्छी पटरी पे आ जो रेवेन्यू के एस्पेक्ट की बात है, जो मेरे पास कल शाम का डाटा है जी, जैसे पहले एवरेजली 5-6 करोड़ रुपया रजिस्ट्रेशन का आता था डेली रिसीव के अंदर, वो अब 13-14 के बीच में पहुंचा है। इसका मतलब लोग सामान्य तौर पर दफ्तरों में आने लगे, मगर आपको ये मानना पड़ेगा किसी भी प्रदेश के अंदर, अगर मैं हरियाणा भी कोट करूं तो हमारा GST शायद 40% आया है, उसके अंदर भी एक IOCL का जो क्योंकि क्वार्टरली इनपुट आता था वो बहुत बड़ा था। उसी तरीके से अगर हम ट्रांसपोर्ट की रिसीट्स की बात करें तो नेगेटिव है, बहुत कम रोडवेज की बसें चली है। अगर हम माइनिंग की बात करें तो अभी तक माइनिंग पूरी तौर पर चली नहीं, और चलेगी भी तो भी आगे कंस्ट्रक्शन अगर फुल फ्लेज चलेगी तभी यूटिलाइजेशन रिसीट्स आएंगी। उसी तरीके से जो और हमारे इंडस्ट्रीज जिनकी तरफ से रेवेन्यू आता था स्टेट को, वो रुका हुआ है। और मैं ये भी कोट कर सकता हूँ कि एक्साइज का जो रेवेन्यू हमें अप्रैल में आता था, क्योंकि अप्रैल लॉकडाउन में था, वो भी नील था, और मार्च के अंदर हम 31 तक कितना ले पाएंगे उसको पिछले साल के अप्रैल से जब कंपेयर करेंगे तब डाटा जरूर हमारे सामने आएगा कि 80% आया है, 90% आया, 110% आया। ये जो आपने एग्रो एमएसएमई की बात की, इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, कल भी बात हुई, जब बेसिक एक फसल है किसान की, वो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट आएंगे कितना फायदा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी उसके अंदर फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे रूरल एरिया। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ किन्नू का, किन्नू जो आज 17 से लेकर 22 रुपये तक जाता है, वही विदेशों के अंदर 100 रुपये 90 रुपये के रेट पर बिकता है। लोग हमारे यहाँ अगर अच्छे वैक्सीन प्लांट लगाएंगे, अच्छी पैकेजिंग कर साथ के साथ उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फार्मर का 16-17 रुपये का 25-30 रुपये तक पहुँच जाएगा, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। आज टमाटर है जिसकी शेल्फ लाइफ आपकी 3 दिन है, अगर उसको प्रॉपर ग्रेडिंग उसकी प्रॉपर स्टोरेज हो जाएगी, तो अगर वो 2 हफ्ते भी रुकता है
तो कहीं ना कहीं फार्मर को एक सपोर्ट मिलता है कि वो मंडी से किस्ते ले जाकर अपनी क्रॉप बेचना चाहता है। आपने शाहबाद बेल्ट के अंदर आज मैं देख रहा था कम से कम हमारे पास 8,000 ऐसे यूनिट्स हैं फूड प्रोसेसिंग के छोटे बड़े, जिसमें राइस मिल से लेकर कोल्ड स्टोरेज और अलग अलग चीजें हरियाणा के अंदर, मगर छोटे छोटे सेल्फ ओन्ड यूनिट्स इतने कामयाब है जो आलू की स्टोरेज करते हैं 3-3 महीने तक, और उसके बाद जब रेट उठता है तो फार्मर उसको बेच के आ सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से सेब लाकर हमारे यहाँ स्टोरेज करने लगे। अब केंद्र सरकार ने नाइट्रोजन बेस्ड कोल्ड स्टोरेज जो है उसके अंदर भी इंसेंटिव देने की बात करी, तो अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम दिल्ली से लगे हुए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम दिल्ली को 90% को आज अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फीड करते हैं, अगर वो हमारा इम्प्रूव होता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो कहीं ना कहीं फार्मर का रेवेन्यू भी इम्प्रूव। ठीक है।